हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है सोहन और आप देख रहे हैं सोना ड्राइंग। आज हम बनाएंगे फ्रूट बास्केट। में टू बी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और मैंने ए फोर साइज का पेपर लिया है। मैं एक एप्पल बना रहा हूँ, उसके साइड में एक ऑरेंज। फिर उसके बाद मैं एक ग्रेप्स, मैं बहुत सारे ग्रेप्स बनाऊंगा। मैं वो लाइन्स को रफ कर रहा हूँ। फिर हम एक बनाना बनाएंगे। मैं फोर बनानास बनाऊंगा, टू या थ्री भी बना सकते हैं। और फिर एक पाइनएप्पल। आप इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो हो चुका है। अब मैं स्केच करूँगा। मैं आपको पूरी स्केच की वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। तो हमारा जो हो चुका है, अब मैं पिंक कलर लेकर बैकग्राउंड कर लूँगा और फिर हम उसे टिश्यू से कर लेंगे। हम उसको कोई भी तरफ डाल सकते हैं। मैं इस टिश्यू के टाइप को भी स्किप कर लूँगा। तो हमारा जो हो चुका है टिश्यू का, अब मैं ले रहा हूँ मरून एप्पल कल एप्पल में डालने के लिए मरून। और हमें हाफ जगह पे मरून डालना है, ऊपर से नीचे तक हाफ। और फिर मैं लूँगा रेड, प्राइमरी रेड। इसके बाद मैं डार्क ये ब्राउन से इसका जो वो ऊपर का है वो रफ कर दूंगा, मतलब कलर कर दूंगा। उसके बाद हम ऑरेंज कलर लेकर संतरे, मतलब कि वो ऑरेंज है, उसे रफ कर देंगे। फिर हम हमारा जो है वो हो चुका है। अब मैं बनाना बनाऊंगा। हम साइड्स में, उसके साइड्स में डीप येलो डालेंगे, डीप येलो। उसके बाद हम ऊपर भी डीप येलो ही लाइटली लाइटली ज़्यादा शेड ना करके करेंगे। उसके बाद मैं लेमन येलो, मतलब मीडियम येलो लेकर उसमें जो है बनाने में कलर कर दूंगा। बाद में हमें ग्रेप्स में साइड में वायलेट डालना, डार्क वायलेट डालना है। हमें बस साइड में ही डार्क वायलेट डालना है। मैं इसको भी स्किप कर दूंगा। हमारा जो है डार्क वायलेट हो चुका है। फिर हम लोग को अंदर वायलेट कलर डाल देना है। वायलेट भी हो चुका है। इसके बाद मैं डार्क ग्रीन लेकर जो पाइनएप्पल की पत्तियां है उसके ऊपर साइड साइड में डार्क ग्रीन कर दूंगा ऐसे। उसके बाद मैं लाइट ग्रीन लूंगा और उसके अंदर कर दूंगा।
फिर मैं साइड में ब्राउन का यूज़ कर रहा हूँ और फिर रेड, प्राइमरी रेड। रेड और प्राइमरी रेड एक ही होता है। फिर हम उसके अंदर ऑरेंज डाल देंगे। फिर हमारा ऑरेंज भी होने के बाद हम उसके अंदर येलो कलर डाल देंगे, मतलब कि मीडियम येलो। उसके बाद मैं नीचे सेरुलियन ब्लू हुई ले रहा हूँ। मैं उसके बस बाजू में करूँगा। वो वाटर नहीं है, वो बेंच है। फिर मैं लाइट ले लूँगा। मैं उसे बेंच के ऊपर कर रहा हूँ, ना कि वाटर है वो। जो है हमारा जो है वो हो चुका है। अब हम अंदर येलो आकर यानी कि लाइट ब्राउन लूँगा और अंदर ऐसे कर लूँगा। आप इस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप लास्ट तक अच्छे से देखें, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर अभी डार्क ब्राउन भी डालने वाले हैं। इसके बाद हम एक स्क्रैपर लेकर उसे एक डिज़ाइन बनाएंगे, जिससे कि जो बास्केट होगा वो सुंदर लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो ब्राउन है वो पूरा होकर रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं एक स्क्रैपर लेकर ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाऊंगा, जिससे कि वो सुंदर लगे। आप पतले डिज़ाइंस भी बना सकते हैं, मोटे डिज़ाइंस भी बना सकते हैं ऐसे। उसके नीचे मैं डार्क ब्राउन से उसको और सुंदर लगने के लिए ऐसे बना दूंगा। हम ऊपर ब्लैक, मैं ऊपर ब्लैक कलर डाल रहा हूँ, जिससे कि उसका लुक अच्छा दिखे। उसके बाद मैं टिश्यू से जो नीचे का जो मैंने लाइट ब्लू डाला था उसको मैं टिश्यू पेपर से टिश्यू कर सुंदर बना दूंगा। साथ देख सकते हैं तो ये है मेरा, तो हमारा जो है हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो को में आया है मजा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल सोहन आर्ट ड्राइंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर अभी कर दीजिएगा। तो आज के लिए नमस्कार।